दोस्तों, मैं कविता और आप देख रहे हैं कविता इज हेयर। करंट अफेयर्स की नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस नॉलेजेबल जानकारी को पूर्णतः ग्रहण करने के लिए इस वीडियो को पूरा देखिए या यहीं पे छोड़ दीजिए। तो चलिए आज का कंटेंट स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज, IRCTC ने निम्न में से किस बैंक के साथ मिलकर रुपए कार्ड लॉन्च किया है? तो ऑप्शंस आर, फर्स्ट वन भारतीय स्टेट बैंक, सेकंड वन पंजाब नेशनल बैंक, सी देना बैंक और डी बैंक ऑफ इंडिया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ए भारतीय स्टेट बैंक। तो IRCTC ने भारतीय स्टेट बैंक के साथ मिलकर एक क्रेडिट कार्ड जो है रुपए के रूप में लॉन्च किया है, जिसमें आप शॉपिंग के साथ दवाइयों की खरीद पर भी भारी छूट प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर सेकंड, महाराष्ट्र सरकार ने कोरोना वायरस प्रसार को देखते हुए राज्य में लॉकडाउन किस तारीख तक बढ़ा दिया है? ऑप्शंस आर, ए 10 अगस्त, बी 15 सितंबर, सी 31 अगस्त या डी 30 सितंबर। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 31 अगस्त। क्वेश्चन नंबर थर्ड इज, केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2018-19 के लिए आयकर रिटर्न भरने की तिथि कब तक के लिए बढ़ा दी है? ऑप्शंस आर, ए 15 अगस्त, बी 31 अगस्त, सी 5 सितंबर, डी 30 सितंबर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, दैट्स मीन 30 सितंबर। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर फोर्थ, चीन ने पृथ्वी का अध्ययन करने के लिए निम्न में से कितने नए सैटेलाइट लॉन्च किए हैं? एंड ऑप्शंस आर, ए 7, बी 3, सी 4 और डी 1। तो जैसा कि आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इसका करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन बी 3, कि चीन ने पृथ्वी के अध्ययन हेतु 3 नए सैटेलाइट जो है लॉन्च किए हैं। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर फर्स्ट क्लास एवं IPL ने सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एंड ऑप्शंस आर, ए रजत भाटिया, बी मिथुन मनहास, सी अमित भंडारी या डी परविंदर अबाना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर है रजत भाटिया, और 20 साल का इनका लंबा कैरियर था जिसे इन्होंने अब विराम देने का फैसला किया है। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर सिक्स, कि फ्रांस से आए 5 राफेल विमानों की निम्न में से किस एयरबेस पर लैंडिंग कराई गई है? ओके, कल ही का है लेटेस्ट ये जो कंटेंट है। तो ए है हिंडन एयरबेस, बी पठानकोट एयरबेस, सी अंबाला एयरबेस या डी ग्वालियर एयरबेस। तो जैसा कि हम लोग भली भांति जानते हैं कि इसका पर्टिकुलर आंसर क्या होगा, इसका पर्टिकुलर आंसर होगा सी अंबाला एयरबेस। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, या हो सकता है आपको पता भी हो, कि भारत और फ्रांस के बीच 36 राफेल विमान की डील हुई है और 36 राफेल विमान में से 30 लड़ाकू विमान है। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर सेवन्थ, भारतीय मूल की निम्न में से किस लेखिका के उपन्यास ब्रंट शुगर को प्रतिष्ठित अवार्ड बुकर हेतु शामिल किया गया है? ऑप्शंस आर, ए अवनी दोषी, बी मनु भंडारी, सी रमणिका गुप्ता या डी उषा प्रिय बंदा। तो इसका करेक्ट आंसर है अवनी दोषी, जो दुबई में रहती हैं लेकिन मूलतः भारतवंशी लेखिका है। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर एट, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड PCB ने पाकिस्तानी बल्लेबाज उमर अकमल का कितने साल का बैन घटाकर 18 महीने का कर दिया है? एंड ऑप्शंस आर, ए 5 साल, बी 7 साल, सी 3 साल और डी 2 साल। तो इसका एक्यूरेट आंसर होगा क्या? होगा सी 3 साल, दैट्स मीन ऑप्शन सी। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर नाइन्थ, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में पारंपरिक चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथी के क्षेत्र में सहयोग पर भारत और किस देश के बीच समझौता ज्ञापन MOU को मंजूरी
दे दी है। ऑप्शंस आर ए लीबिया, बी जिम्बाब्वे, सी मोरक्को या डी नाइजीरिया। नाइजीरिया। और इसका एक्यूरेट करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी जिम्बाब्वे। लास्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन नंबर 10th इज बांग्लादेश के युवा तेज गेंदबाज काजी अनिक इस्लाम को 2018 में डोप परीक्षण में विफल होने के कारण राष्ट्रीय क्रिकेट बोर्ड ने कितने साल के लिए प्रतिबंधित किया है? ऑप्शंस आर ए 3 साल, बी 4 साल, सी 1 साल या डी 2 साल। तो इसका एक्यूरेट आंसर है, करेक्ट आंसर है क्या है, चलिए बता देते हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा डी 2 साल। और उनका ये प्रतिबंध 8 फरवरी 2019 से शुरू हो चुका है। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल और नॉलेजेबल लगी होगी। तो प्लीज़ अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स टू एवरीवन।